الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. इन आयात का तर्जमा ये है, लोगों में ज़्यादा मुनासबत इब्राहीम से उनको थी जो साथ उसके थे और इस नबी को, और जो ईमान लाए इस नबी पर, और अल्लाह वाली है मुसलमानों का। आरज़ू है बाज़ अहले किताब को कि किसी तरह गुमराह करें तुमको, और गुमराह नहीं करते मगर अपने आप को, और नहीं समझते। ऐ अहले किताब, क्यों इनकार करते हो अल्लाह के कलाम का और तुम कायल हो? ऐ अहले किताब, क्यों मिलाते हो सच में झूठ और छुपाते हो सच्ची बात? जान कर। तो ये तर्जमा था, इससे पहले आयात में ही ये मसला चल रहा था कि यहूद व नसारा ने हर एक ने अपने अपनी जगह इब्राहिमी होने का दावा किया था कि हम इब्राहिमी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तर्दीद फरमाई पिछली आयात में। मा काना इब्राहीम यहूदी वला नसरानिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे ना मुशरिक थे, वो तो हनीफ मुस्लिम थे। तो अल्लाह ने ये बता दिया। अल्बत्ता अब जो आयात अभी पढ़ी हैं उसमें पहली आयत में इन्ना औलन्नास इब्राहीम अललदीन तबऊ फरमाया, इब्राहिमी तुम तो नहीं हो, हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी लोग कौन हो सकते हैं, करीब तर कौन हो सकते हैं, उनका बयान फरमा दिया कि फरमाया सबसे पहले तो वो लोग हैं जी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी मिल्लत की इत्तबा करने वाले थे। या मकसद ये है कि मुतलकन जो भी मिल्लत इब्राहिमी की सही इत्तबा करे वो इब्राहिमी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर पूरा चलने वाला वो इब्राहिमी कहलाएगा। तो अब ज़ाहिर बात है वो लोग पहले सबसे वो थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनकी मिल्लत पर चले थे, वो इब्राहिमी कहलाने के हकदार हैं। फिर फरमाया वहाज़न नबी, और ये नबी, इससे मुराद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और साथ फरमाया वल्लदीन आमनु, जो इस कहे नबी पर ईमान लाने वाले थे, यानी मुसलमान मुराद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के इस्लाम लाने वाले अफराद, वो इब्राहिमी कहलाने के हकदार हैं। उसकी वजह ये है कि सही मिल्लत इब्राहिमी पर क्या है, मुसलमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी वजह से कुरान पाक में आया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, मुराद क्या है, यानी अल्लाह ताला गोया फरमा रहे हैं कि तुम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तबा करो, यानी इत्तबाउ मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये मुराद है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तबा करो। इस तरह कई मौक़ों में बल नत्तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा कुरान पाक में आया कि हम जो है किसकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तबा करने वाले हैं जो हनीफ थे। तो हनीफ का माना भी पढ़ चुके, यानी ये अल्लाह के होने वाले, बाकी सब से मुँह मोड़ने वाले, सब अदयान बातला को छोड़ने वाले, ये हनीफ का माना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले दीन पर हम हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद दुआ की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। और इस उम्मत का नाम भी आया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम रखा था, तो इस्लाम वही दीन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था जी, मिल्लत वाहिदा जो चल रही है। तो इस वजह से अगर इब्राहिमी कहलाएँ तो ये कहलाने के हकदार हैं, बाकी यहूद व नसारा वो तो हकदार ही नहीं, क्योंकि वो तो शिर्क करने वाले थे, जैसे कल तफसील से हो चुका है। तो मुशरिक कैसे अपने आप को इब्राहिमी कह सकता है? तो ना यहूदी कह सकते हैं, ना नसारा कह सकते हैं, ना क्या है
मुशरकीन अरब अपने आप को इब्राहिमी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो शिर्क करने वाले हैं। कोई बुतों की पूजा करता है, कोई कब्र परस्त है जी, कोई अम्बिया की पूजा शुरू कर डाली, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, इस वजह से ये कैसे इब्राहिमी हो सकते हैं। इसलिए खूब उनकी तरदीद फरमा दी गई इन आयात में कि ये इब्राहिमी नहीं है। इब्राहिमी ये लोग हैं जिनका अब आखिर आयत में जिक्र फरमाया है। आगे फरमाया वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनीन का वाली है, मददगार है, नासिर है। मकसद ये है कि इन यहूदो नसारा का मकसद इस प्रोपेगेंडे से असल ये है कि मुसलमानों को ज़रर पहुँचे, ताकि मुसलमान जब देखेंगे ना जी कि ये तो इब्राहिमी वो हैं, इब्राहिमी हम तो नहीं हैं, ठीक है वो इब्राहिमी हैं, असल मिलत इब्राहिमी पर, तो हो सकता है वो अपने मज़हब से हट जाएँ जी और क्या है मज़हब छोड़ दें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ही मददगार है। इसलिए इस किस्म की हरकतें और प्रोपेगंडे जो है मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही मददगार हैं। लेकिन ये उसी सूरत में है कि अलमोमिनीन, अल्लाह किसका मददगार है, जो मोमिन हूँ। तो मोमिन समराद कामिल मोमिन है। मकसद ये ईमान लाकर ईमान के तकाज़ों को भी पूरा करते हूँ। आज कर मुसलमान जो मार खा रहे हैं जी, उसकी वजह यही है कि मुसलमान जो है ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। हर किस्म की ख़राबियाँ इसके अंदर आ चुकी हैं, बातनी ख़राबियाँ भी हो गई, ज़ाहरी ख़राबियाँ भी हो गई जी, बातनी ख़राबियाँ, हसद इसमें इनमें आ गया, रिया इनमें आ गया जी, इसी तरीके से कि माल का हिर्स इनके अंदर आ गया, दिखावा इनके अंदर आ गया जी, और इसी तरीके से कीना है, बुग़्ज़ है, बहुत ख़राबियाँ अंदर की, और अकायद बहुत सारों के ख़राब हो गए जी, सही के हक के तरीके पर अकायद नहीं रहे, और आमाल तो बहुत ही कम लोगों को ठीक हैं जी। आज ज़्यादातर जो है मगरब परस्ती आ गई जी, वो सारे जो है अपने दुश्मन अंग्रेज़ के पीछे चलने वाले बन गए, और उन्हीं का लिबास, उन्हीं की तर्ज, उनके बूदबाश, उनकी तरह रहायश, उनकी तरह उठना बैठना, सोना पीना खाना, हत्ता के पेशाब भी उन्हीं की तरह खड़े होकर करते हैं जैसे जानवर खड़े होकर पेशाब। तो मतलब जब मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ दिया है, तो ये कामिल मोमिन कैसे रहे। तो मदद तब आती जबकि वो कामिल होते, अब कामिल नहीं है, तो इस वजह से फिर जो मुसलमान हैं अल्लाह होने अल्लाह वाला होने का दावा करते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म पर चलते नहीं हैं, तो फिर इस तरह इनको मार पड़नी है, जूते पड़ने हैं इनको। इसलिए कुरान ने तो वाज़े कर दिया वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनीन का मददगार है जो कामिल मोमिन हो। आगे जिक्र फरमाया शिकवा के तौर पर वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब लौ युज़िल्लूनकुम जी, अहले किताब की एक जमात ये चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें, यानी असल में तुम्हारा भी गुमराह होना चाहते हैं, ठीक है। मकसद उनका ये है कि किसी तरह ये भी गुमराह हो, मैं हम तो हैं ही हैं, ठीक है, और इनको भी साथ ले डूबें। ये इस बिना पर उनकी प्रोपेगंडे करते हैं, गड़बड़ करते हैं। लेकिन आगे फरमाया वमा युज़िल्लूना इल्ला अन्फुसहुम, कि वो नहीं गुमराह करते मगर अपने नफ्सों को। मतलब ये मुसलमानों का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो कामिल मजबूत मुसलमान हैं, हाँ अपना बिगाड़ेंगे जी, जो कुछ नुकसान होगा खुद इनको पहुँचेगा। लेकिन ऐसे पागल हैं, ऐसे नादान हैं कि उनको शऊर ही नहीं है कि इसका नुकसान तो हम ही होने वाला है। आगे फरमाया या अहले किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि, वहाँ तो ये पहले तो जाहिल लोग थे जो ये कर रहे थे, अब आगे ख़ास कर इनके मौलवी और पढ़े लिखे हजरात जो थे ना यहूद नसारा के, इनको अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं कि ए अहले किताब, क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयात की, हालांकि तुम उसके शाहिद हो, कायल हो, गवाही देते हो जी, मतलब पढ़ते रहते हो, तो उसके बावजूद आयात अल्लाह से मुराद यहाँ तौरात की आयात हैं, पिछली किताबों की आयात है, जिनको यहूद वगैरह पढ़ते थे और वो जानते थे कि अल्लाह की तौहीद के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि अल्लाह ताला का कोई उसकी ज़ात और सिफात में शरीक बनाना ये शिर्क है और मुशरिक है, काफिर और दोज़ख में जाएगा, कभी हक पर नहीं हो सकता है। तो अहले हक़ सिर्फ़ वही हैं जो तौहीद परस्त हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के मुतबे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं, तौरात वगैरह में पढ़ते हैं। लेकिन फरमाया इस तरह जानने के बावजूद क्यों इनकार करते हो, क्या हो गया तुम्हें। तो ये उनको झंझोड़ना है, उनको तंबीह करना है कि चलो एक तो जाहिल होता है उसको पता नहीं, तुम्हें पता ही है सब कुछ कि ये हक है जी, तो फिर भी तुम इनकार करते हो, तौरात में पढ़ कर इनकार कर रहे हो। या अहले किताब लिमा तलबिसून अल-हक़ बिल-बातिल, अहले किताब क्यों खल्त मल्त करते हो हक़ व बातिल, तलबिसून यानी इस अंदाज से हक को रला मिला देना जी के पता ही ना चले कि हक़ क्या है। वतक्तुमून अल-हक़, और हक़ को छुपाते। उनमें दो ख़राबियाँ थी जैसे पहले पारे में इनके बारे में जिक्र हो चुका है जी। एक तो ये करते थे बिल्कुल हक़ को छुपा ही देते थे ताकि किसी तक ये बात पहुँची ना,
और बाज़ दफ़ा ये होता कि हक़ बिल्कुल वाज़े होता था तो उनको ख़तरा होता कि हक़ का पता चल गया तो हमारी पीरी मुरीदी ख़त्म हो जाएगी, लोग तो क्या है इस्लाम को कबूल कर लेंगे। ठीक है, तो इस बिना पर उन्होंने क्या हक़ को बातिल के साथ मिलाना शुरू कर दिया, पर्दे डालने शुरू कर दिए, अपनी तरफ से तावीलें और मुख्तलिफ अपनी रंग की तफसीरें और उसकी तशरीहें शुरू कर डाली, यानी असल मफहूम को बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश किया, तो गोया इस तरीके से भी हक़ पर पर्दा पड़ गया। तो ये माना है कि हक़ को तुम बातिल के साथ क्यों मिलाते हो और हद को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो। तो मकसद ये है कि तुम्हें पता है हक़ का, फिर भी जानबूझ कर ऐसा करते हो। ये तो असल में उनकी और शनाअत को बयान करना है जी, कि हक़ को जानते पहचानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वाकई नबी हैं और उनके ये निशानियाँ और आपको भी पहचान चुके हैं, उसके बावजूद फिर भी खलत मलत करते हैं। तो मकसद ये है कि तुम जानते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है वान तुम तशदून या वान तुम तालमून जो साथ मिला है कि तुम जानते हो तो क्यों छुपाते हो, लेकिन अगर जानते ना हूँ जी या इस तरीके से न जानते हूँ आयात को तो फिर भी कुफ़र करते हैं। फिर भी कुफ़र करना या खरा हक़ को मिलाना जुलाना या हक़ को छुपाना जायज़ नहीं है, चाहे जाने या ना जाने। तो ये जानने के बावजूद तो ज़्यादा बुरा है, इस वजह से ये साथ बढ़ा दिया वान तुम तशदून वान तुम तालम, उनके जानने के बावजूद यार तुम ऐसा कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि जो यार तुम्हें पता ही है फिर भी हमारे साथ ये करता है वो करता है, तो उससे मकसूद अगले को ज़्यादा झंझोड़ना ज़्यादा उभारना होता है और उसको क्या है तंबीह करना होता है कि ऐसा तू क्यों कर रहा है। जिसका मकसद अहले किताब को भी यही तंबीह करना मकसूद है कि ऐसे तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही फहम नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।